मेरठ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदिल चौधरी ने विवादित बयान दिया। आदिल चौधरी के काफिले में शुमार यूथ ब्रिगेड के नेता ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी के थानों में अंदर इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज पुलिसकर्मी बैठे हैं, उसी तरीके से सरकार बनते ही मुसलमानों के भी पुलिसकर्मी बैठेंगे, समाजवादी पार्टी के बैठेंगे और फोन पर काम होंगे। हालांकि जिस तरीके का प्रचार चुनाव आयोग के जरिए करने को कहा गया था वो प्रचार दिखाई नहीं देता। केवल 5 लोग डोर टू डोर जाकर प्रचार कर सकते हैं, लेकिन लगातार कोविड-19 के नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है, बड़े पैमाने पर मीटिंग की जा रही है।